अच्छे फलदार भी हो, इमारती लकड़ी भी प्रदान कर सकते हो और भी अन्य प्रकार से उपयोगी बन सकते हो। इसलिए हर ग्राम पंचायत 75-75 वृक्ष लगाने की कार्रवाई इस अवसर पर जरूर, वन महोत्सव के अवसर पर जरूर करेंगे। हर ग्राम पंचायत अभी से जमीन चिन्हित करके अमृत सरोवर के तटों पर, और हम लोग किसी न किसी नोडल अधिकारी को इस अवसर पर हर ग्राम पंचायत में भेजेंगे, किन गांवों ने किया है, किन गांवों ने किया है, ये सभी चीजें वहां तय हो जाएंगे। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से गड्ढा बनाना, उसमें खाद वगैरह डालने की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा घेराबंदी करके सुरक्षा की व्यवस्था करना, गांव के लोगों को उसके साथ जोड़ना, वृक्षारोपण की शुरुआत गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी शहीद परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के किसी सदस्य से, किसी आर्मी के रिटायर्ड, किसी रिटायर्ड कोई भी अधिकारी या कोई भी जवान जो रिटायर्ड होगा आर्मी से, उनके माध्यम से या गांव के किसी संभ्रांत नागरिक के माध्यम से इसकी शुरुआत करा करके मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में से विकसित किए जाने की कार्रवाई के साथ अगर आप जुड़ेंगे, बहुत सारी जो कृत्रिम कारण है जलवायु परिवर्तन के, उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस दिशा में हम सबका जो सामूहिक प्रयास होगा वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारकों में पर जो मुख्य कृत्रिम कारण है उनको हम नियंत्रित करेंगे, और कृत्रिम कारणों को हम नियंत्रित कर लेंगे तो प्राकृतिक कारण भी धीरे धीरे करके नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि आज की ये कॉन्फ्रेंस ग्राम पंचायतों के माध्यम के साथ जुड़ते हुए पंचायती राज विभाग की इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में, इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।